तो आज के इस वीडियो में कुछ नया बल्ब प्रिपेयर करने वाले हैं जो आज से पहले कभी हमारे चैनल पे नहीं देखे होंगे। ये जो बल्ब है यहाँ पे देख सकते हैं KWW, तो इस कंपनी का बल्ब को आज रिपेयर करने वाले हैं, जिसको पहले पता नहीं होता है कि कोई अदर कंपनी का बल्ब के अंदर में कैसा फॉल्ट होता है, सर्किट के अंदर में क्या कंपोनेंट लगा होता है। तो देखिए, आज का वीडियो कुछ खास होने वाला है आपके लिए। अगर जिन लोगों को डाउट रहता है वो लोग आज हमारा वीडियो को पूरे लास्ट तक ज़रूर देख लीजिए। अगर आप स्किप करके देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर कुछ भी पार्ट मिस कर जाते हैं तो आप रिपेयरिंग नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है और वीडियो लास्ट तक ज़रूर देख लेना दोस्तों। तो चले दोस्तों, इसको मैं चेक करके पहले दिखाऊँगा, उसके बाद में इसका फॉल्ट क्या है उसको रिपेयर करके भी दिखाऊँगा। वीडियो छोड़ के जाना नहीं है, आज कुछ खास होने वाला है आपके लिए। तो चले इस बल्ब को मैं चेक करके दिखाऊंगा सबसे पहले, उसके बाद में ही इसको रिपेयर करूंगा। सीरीज बोर्ड का होल्डर लिया मैंने, और सीरीज बोर्ड का होल्डर में एक हमारा यहाँ पे देख सकते हैं एक अच्छा बल्ब जो है, इसको मैं जला के दिखाता हूँ। यहाँ पे एसी कनेक्शन में पहले चेक करा के ही दिखाऊँगा, उसके बाद में इस बल्ब को यहीं पर लगाऊँगा जो हमारा यहाँ पर देखिए KWW, यहाँ पर भी 9 वाट देख सकते हैं, 950 लुमेंस का यहाँ पर भी LED बल्ब है। तो इस बल्ब को मैं रिपेयर करके दिखाने वाला हूं आपको। तो सबसे पहले इसका फॉल्ट मैं दिखाऊंगा, उसके बाद में ही इसको मैं आपको रिपेयर करके भी दिखाऊंगा। तो वीडियो को देखते रहिएगा, मैं यहां पे चेक करके दिखाऊंगा। तो यहां पे मैंने सीरीज बोर्ड पे लगा लिया। अब इसमें देखिए कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, या डिम ग्लो कोई भी इसमें लाइट दिखाई नहीं दे रहा है हमें। तो चले इस बल्ब को मैं यहाँ से ओपन करूँगा। ओपन करने का तरीका आपको पता ही होगा। अगर यहाँ पर देख सकते हैं ये जो बल्ब है ये फर्स्ट टाइम ये खुलेगा, इससे पहले ये बल्ब कभी रिपेयर नहीं हुआ है। ये फर्स्ट टाइम इसको मैं रिपेयर करने वाला हूँ, और ये कंपनी का भी फर्स्ट टाइम मैं इसको रिपेयर करके आप मेरे चैनल पे दिखाने वाला हूँ आपको। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अगर आप नहीं किए हैं तो हमारे जितने भी व्यूअर हैं आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो देखिए इस बल्ब को मैं खोलने के लिए क्या करता हूँ, फर्स्ट टाइम जो होगा खोलने के टाइम में तो क्या करना होगा आपको, यहाँ पर जो इसके बीच में जो आपको चोट मारना होगा राउंड से, ताकि ये आसानी से खुल सके। तो देखिए मैंने एक राउंड इसमें कर लिया है। उसके बाद में क्या होगा, हमारा जो यहाँ पे हीटसिंक जो होगा हाउसिंग में, ये टॉप जो होगा वो थोड़ा हमारा लूज हो जाएगा। तो हमें निकालने में, इसका ड्राइवर सर्किट खोलने में ये आसानी हो जाता है, क्योंकि इसको फर्स्ट टाइम आपको करना होगा तभी जाके आपको 100% ये भी लूज हो जाएगा और यहाँ से भी लूज हो जाएगा। ये तरीका मैं आपको हर बार बताता हूँ, अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो इसको आप ओपन नहीं कर पाएंगे, तोड़ के निकालेंगे। तो चलिए ये चीज़ आप सीख लेना है, एक बार दिमाग में लगाना है और आपको भूलना नहीं है, यही तरीका से आपको खोल लेना है। ये देखिए मेरे पास जो क्या है, मैं बिना टूल का ही इसको खोलने का वीडियो बना के दिखाता हूँ आप लोगों को, ताकि जिनके पास में नहीं है अपना घर पे भी खुद ये रिपेयर कर सकते हैं। तो देखिए इसमें कितना रिपेयरिंग का कॉस्ट आएगा वो चीज़ भी मैं आज इसको दिखाऊंगा। तो चलिए इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो मेरा जो तरीका है ये, यहाँ से मैं पकड़ता हूँ और पकड़ने के बाद में देखिए इस तरह से मैं खोल लेता हूँ। बहुत ही ज़ोर से खींचना पड़ता है जब फर्स्ट टाइम होता है। तो देखिए इसका डिफ्यूज़र को अलग कर लेते हैं, सेम तरह से मिलता है जो नॉर्मल बल्ब में। आज तक पहले ओरिएंट हो गया हमारा, पॉलीकैब हो गया, इस तरह का जो बल्ब हमने रिपेयर किया है वैसे ही सेम इसमें भी है। पर देखिए यहाँ पे कौन कौन सा बल्ब है, क्या क्या चीज़ है, ये सारा कुछ आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा आपको जूम करा के दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखिए जो पहले भी बल्ब रिपेयर किया था उस MCPCB में भी हमारा 9 LED लगे हुए हैं, तो इसमें भी हमारा 9 ही LED लगे हुए हैं। तो देखिए इसमें तो सेम है। तो चले अब इसमें क्या करना होगा, हमें इसमें कोई भी एक SMD LED जो है यहाँ पे कोई ख़राब हमें दिखाई नहीं दे रहा है, इसमें सुरक्षित है। तो चलिए इसको भी हमें वोल्टेज इसको चेक करना पड़ेगा, इसके ड्राइवर सर्किट से ख़राब है या फिर यहाँ से वोल्टेज आ रहा है या MCPCB ख़राब है। तो इसको कन्फर्म करने के लिए हमें चेक करना ही पड़ेगा, इसको चेक करके मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद में लेना है मल्टीमीटर, और मल्टीमीटर को मैंने 1000 के रेंज में सेट कर लेता हूँ। और सेट करने के बाद में यहाँ पर मैं इसको दिखाता हूँ चेक करके। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे इस माइनस को यहाँ पे लगाता हूँ और प्लस को यहाँ पे लगाता हूँ। तो देखिए हमारा आउटपुट में वोल्टेज जो है कोई भी इसमें आउटपुट नहीं मिल रहा है। तो ये प्रोसेस जो होता है ये सेम होता है हर LED बल्ब को आप रिपेयरिंग करते समय। तो देखिए इसमें कोई भी वोल्टेज आउटपुट नहीं कर रहा है, इसका मतलब जो होगा इसमें कोई ना कोई कंपोनेंट हमारा ख़राब हुआ होगा,
या फिर हमारा हाई वोल्टेज से ख़राब होगा या कुछ भी प्रॉब्लम होगा, तो इसको रिपेयर करके जाएंगे, देखते रहिएगा वीडियो को। तो यहाँ पे सबसे पहले इतना तो हमारा हो गया। यहाँ पे MCPCB हमारा सही दिखाई दे रहा है, कोई काला जला हुआ तो दिखाई नहीं दे रहा है, पर इसमें हमारा वोल्टेज भी कोई आउटपुट नहीं मिल रहा है। तो चले अब इसको टॉप को निकालने का प्रयास करते हैं और इसको निकाल के आपको यहाँ पे सर्किट को भी पूरी तरीक़े से दिखाएंगे। तो देखिए ये बहुत ही आसानी से ये यहाँ पे निकल रहा है, देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से जब हम साइड से चोट मारेंगे तो क्या होता है, यहाँ से थोड़ा सा लूज बन जाता है, देख सकते हैं हल्का सा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको निकालने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ जाता है, जब यहाँ से ज़्यादा करेंगे तो ये ख़राब ही हो जाता है। लूज हो चुका है तो इस दोनों वायर को मैं यहाँ से डिसोल्डिंग कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए इस साइड हमारा प्लस है, इस साइड हमारा माइनस है। तो अगर हम इसको रिपेयरिंग करते हैं दोबारा फिर कनेक्शन करते हैं तो सेम इसी तरह से आपको कनेक्शन करना होगा, अन्यथा आपका नहीं जलेगा, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए मैंने इसको डिसोल्डिंग कर लिया है, देख सकते हैं इस तरह से वायर को। उसके बाद में यहाँ पर क्या करना है, यहाँ से देखिए इस तरह से इसको निकाल लेना है। और निकालने के बाद में देखिए इसके अंदर में कैसा कंपोनेंट होता है, क्या फॉल्ट होता है, ये चीज़ आज देख के अपना कन्फ्यूजन दूर कर लीजिएगा दोस्तों। देखिए तो देखिए यहाँ पे इसको हमने निकाल लिया। निकालने के बाद में देखिए इसका MCPCB को थोड़ा सा साइड में रख लेते हैं। उसके बाद में इसका ड्राइवर सर्किट को ही हमें बाहर निकालना पड़ेगा। तो ड्राइवर सर्किट को निकालने का प्रोसेस जो होता है वो सेम होता है, इसी तरह से आपको पकड़ लेना है। आपको ये मैं जो बताता हूँ ये ट्रिक आपको 100% का, ये 100% आपका सेफ तरीका है। देखिए बहुत ही यूट्यूबर लोग आपको बताएंगे कि यहाँ से आपको निकालना पड़ेगा इस तरह से B20 कैप को, पर यहाँ से निकालेंगे तो आपका ख़राब हो जाएगा बल्ब, आप दोबारा इसको लगा नहीं पाएंगे फिट, क्योंकि इसका मशीन आपका नहीं होगा तो इसको लगाने में आपका थोड़ा सा लूज हो जाएगा और ख़राब हो जाएगा, होल्डर में लगाएंगे तो गिर भी सकता है। तो इसलिए यहाँ से पकड़ लीजिएगा और यहाँ से ये इसका पॉइंट को आपस में डिसोल्डिंग करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा सोल्डर से। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको भी तुरंत ही निकाल लिया है, देख सकते हैं यहाँ पे इसका फ्यूजिबल जो रेजिस्टेंस है इस तरह से देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा एक ही फ्यूजिबल रेजिस्टेंस बाहर आया हुआ है और दूसरा फ्यूजिबल रेजिस्टेंस इसमें रह गया है। तो देखिए इसमें कोई एक फॉल्ट हो सकता है, इसमें फ्यूजिबल रेजिस्टेंस की हो सकता है या फिर कोई कारण हो सकता है इसमें भी। तो चलिए इसको भी निकालने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको भी निकाल लिया। अब इसमें ये पता नहीं है कि ये हमारा फ्यूजिबल रेजिस्टेंस जो है ये सही है या नहीं है, देख सकते हैं। आज जो हम दिखाने वाले थे आपको 100% ये देख सकते हैं, इसका डिजाइन में सर्किट का कुछ अलग है, देख सकते हैं, देखिए। अब देखिए इस साइड भी देख सकते हैं इसका डिजाइन जो है, सर्किट का बनावट किस तरह से है आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से इसमें डिजाइन है, पर देखिए इसमें जो एक हमारा फ्यूजिबल रेजिस्टेंस जो बाहर नहीं आया, तो इसमें क्या हो सकता है, इसका वायर कहीं से टूट गया होगा या फिर इसको कैसा प्रॉब्लम आया जो ये टूट के निकल गया। यहाँ पे देखिए इसका वायर जो है यहाँ पे टूट के इस तरह से पड़ा हुआ है, देख सकते हैं। तो देखिए इसमें कोई ऐसा कंपोनेंट नहीं है जो इसमें, देखिए इसमें MOV जो है यहाँ पर डबल लगा हुआ है। तो देखिए मैं मीटर को ओम्स में भी सेट करके दिखा रहा हूँ आपको। तो देखिए इसमें 99.0 इसमें दिखा रहा है, ये देख सकते हैं, तो 100 ओम का ये रजिस्टर है, देख सकते हैं। तो देखिए इसमें दूसरा वाला को भी यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये 100 ओम्स का यहाँ पे रजिस्टर दिखा रहा है।
देखिए कभी 99 होता है, कभी 100 होता है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो हमारा यहाँ पे ब्रेक हो चुका है, इसी कारण से शायद इसमें हमारा लाइन कट चुका था, इसी कारण से ये नहीं जल रहा है। तो चले अब इसको यहाँ पे सोल्ड करके एक बार देख लेते हैं इसको। तो यहाँ पे इसका पॉइंट को निकालना होगा हमें। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको सोल्डिंग कर लिया है। अब सोल्डिंग करने के बाद में इसको भी इस तरह से लेके आते हैं। तो यहाँ पे इसको सोल्डिंग करने के बाद में इसकी इस तरह से कर लेना है ताकि यहाँ पे हमारा पहुंच सके वायर। तो यहाँ पे देखिए इसको यहाँ पे पहले चेक कर लेंगे इस MCPCB में यहाँ पे। तो देखिए इसका प्लस और माइनस, इस साइड प्लस है, इस साइड हमारा माइनस है। तो इस साइड प्लस है देख सकते हैं, इस साइड माइनस है, और प्लस माइनस को आपको देख के ही इसको सोल्डिंग कर लेना है। उसके बाद में देखिए इसका बीच का जो पॉइंट है उसको साफ़ कर लेना है। अब देखिए इसमें AC कनेक्शन में चेक करके देख लेता हूँ, उसके बाद में इसका हाउसिंग में फिट कर सकते हैं। देखिए फिट करने का कोई बड़ी बात नहीं है, आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, फिट करने का वीडियो मिल जाएगा आपको। देखिए यहाँ पर हमने सॉकेट में लगाते ही हमारा बल्ब जो है ये हमारा ग्लो कर गया देख सकते हैं। तो इसमें जो नॉर्मल जो फॉल्ट होता है दोस्तों, इससे आपको देखिए कहीं ना कहीं तरह से इसको आपको डाउट रह जाता है। तो देखिए कोई भी बल्ब होगा आपका किसी न किसी छोटे छोटे फॉल्ट पे ही ये हमारा ख़राब हुए होते हैं, ख़राब पड़े होते हैं। तो देखिए इस बल्ब को भी यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दिया है इसका फ्यूजिबल रेजिस्टेंस को। देखिए इतना इसका ड्राइवर सर्किट इतना फ्रेश दिखाई दे रहा है कि ये देखिए बहुत ही आसानी से इसको आप रिपेयर कर सकते हैं। इसका IC को देख सकते हैं इस तरह से, और यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो ब्रिज रेक्टिफायर डायोड भी है ये एक ही में है। और यहाँ पे देखिए इसका ब्रिज रेक्टिफायर डायोड भी साथ में है और हमारा IC भी साथ में है। तो देखिए इसमें कुछ अलग ही डिज़ाइन का है, इसको आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अगर इसका ब्रिज रेक्टिफायर डायोड ख़राब होता है तो ये एक ही बार में इसको सबको चेंज करना पड़ेगा, तभी जाके ये ड्राइवर सर्किट को ऑन कर पाएंगे। तो देखिए इस तरह से, और बाकी का जो कॉम्पोनेंट होता है ये कोई भी एक ख़राब होता है तो आप उसको चेक करके देख सकते हैं, उसके बाद में इसको रिपेयर भी कर सकते हैं। तो देखिए इसका MCPC भी पहले मैंने बताया कि इसका MCPC 100% सही दिखाई दे रहा है तो सही ही होगा। तो यहाँ पे हमारा जला के भी हमने चेक करके देख लिया है ये सही है, देख लीजिए। तो चलिए इसको हमने कनेक्ट कर दिया है, तो इसको लगाने में आपको बहुत ही ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि इसको आपको जानते ही होंगे ये मेन जो प्रॉब्लम था इसके अंदर में हमें फॉल्ट ढूंढना था। देखिए कोई भी बल्ब होता है कुछ छोटा सा फॉल्ट के लिए ही ये बल्ब नहीं जलता है, उसी तरह से ये बल्ब भी नहीं जल रहा था। तो इस तरह से फॉल्ट जो हर बार आपको कुछ ना कुछ छोटा छोटा ही मिलेगा, LED बल्ब में फॉल्ट मिलेगा आपको। तो देखिए इसमें 0 रुपये में ये बन के तैयार हो चुका है दोस्तों, आपको इसमें कोई भी पैसा नहीं लगा है दोस्तों। चाहे तो आप इस फ्यूजिबल रेजिस्टेंस को आप डायरेक्ट भी करने कर से जला सकते हैं, एक फ्यूजिबल रेजिस्टेंस से भी आपका काम कर जाएगा दोस्तों। तो चले दोस्तों इस वीडियो से आपको डाउट आपको क्लियर हो ही गया होगा दोस्तों। इस वीडियो को आपको कैसा लगा दोस्तों, अगर अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम अच्छे अच्छे वीडियो हर दिन लाते रहते हैं दोस्तों, हमारे चैनल पर अपलोड होते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, आज से अपना डाउट क्लियर कर लीजिएगा दोस्तों। तो इस वीडियो को शेयर करने के साथ में आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं हमारा, तो उसने शहर का नाम भी हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों, अगर किसी तरह से कुछ सवाल होगा तो। तो चलिए दोस्तों हमारा वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर दोस्तों।